नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी टूर्नामेंट हमको स्टेडियम में देखने मिली थी, नजीब मुल्ला ट्रॉफी। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट का आज हम फाइनल अपडेट देखने वाले हैं। और दोस्तों, इस टूर्नामेंट में हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए फोर व्हीलर कार ऑल इंडिया ओपन के लिए थी, और दोस्तों ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पोर्ट बाइक थी। तो वो किसको मिली, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइस था 30 लाख रुपए, और कल के दिन मोहम्मद शमी सर इस टूर्नामेंट का चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं फाइनल मैच किसका हुआ ऑल इंडिया ओपन में। तो दोस्तों, इराकी वॉरियर्स वर्सेस दिल्ली धमाका, इस टीम का फाइनल मैच हुआ। और दोस्तों, फाइनल का मैन ऑफ द मैच रहा रजत मुंडे। दोस्तों, लास्ट दो बॉल में 9 रन चाहिए थे, लगातार 2 सिक्स मार के रजत मुंडे ने फाइनल का मैच जिता दिया। अभी दोस्तों हम देखने वाले ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड। तो दोस्तों, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में रनर अप टीम रही है तिरंगा स्पोर्ट्स। टोटल कैश इस टीम को मिली है 1.5 लाख रुपया और एक ट्रॉफी। अभी हम देखते हैं इस टूर्नामेंट में ठाणे डिस्ट्रिक्ट की चैम्पियन टीम कौन बनी है। तो दोस्तों, चैम्पियन टीम बनी है रॉयल स्टनर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी इस टीम ने की, और इस टीम को टोटल नकद 3 लाख का इनाम मिला और एक ट्रॉफी। अभी हम आते हैं दोस्तों ऑल इंडिया ओपन अवार्ड। तो दोस्तों, ऑल इंडिया ओपन में रनर अप टीम रही है नॉर्थ हिमालया टाइगर यानी दिल्ली धमाका टीम। टोटल इस टीम को 5 लाख का नकद इनाम मिला और एक ट्रॉफी मिली। दोस्तों, नजीब मुल्ला ट्रॉफी इस टूर्नामेंट का चैम्पियन टीम बनी है इराकी वॉरियर्स यानी डिंगडोंग टीम। टोटल इस टीम को 10 लाख रुपये का कैश मिला और एक ट्रॉफी मिली। दोस्तों, बहुत शानदार बैटिंग बॉलिंग इस टीम ने की, खास करके विजय पावड़े, कृष्णा सतपथी सर, एजाज कुरेशी। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं ऑल इंडिया ओपन के बेस्ट बॉलर का अवार्ड। अंकित कल्की को बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला है और टोटल प्राइस 25,000 रुपये मिला। अभी देखते हैं दोस्तों बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन इस टूर्नामेंट का रहा है जगत सरकार। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में जगत सरकार ने की, और इसको टोटल प्राइस मिला है 25,000 रुपये और एक ट्रॉफी। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड में। दोस्तों, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स बाइक थी, उस बाइक पे अपना नाम रखा है अमित दाफेदार ने। बहुत शानदार बैटिंग दोस्तों इस टूर्नामेंट में की, कुल मिला के 100+ रन इस टूर्नामेंट में बनाए और स्पोर्ट्स बाइक पे अपना नाम रखा। अभी देखते हैं दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज ओपन टूर्नामेंट में विजय पावले को दोस्तों फोर व्हीलर कार की चाबी मिली है। कुल मिला के टोटल 13 विकेट इस खिलाड़ी ने ली। दोस्तों, इस खिलाड़ी को हुंडई की एक्स्टर की कार मिली है। दोस्तों, बहुत शानदार बॉलिंग इस टूर्नामेंट में विजय पावले ने की। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और अभी डिंगडोंग टीम का सेलिब्रेशन देखो।